हाय, मैं हूँ आशीष और मेरे पैशन है फूड, क्लोथ्स, ट्रैवल और सबसे बढ़कर आर्ट एंड डिजाइन। मैं काफी लकी हूँ कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर डिजाइन किए और उनमें से कुछ को आप जानते भी हैं। मैं आपको इन फेमस लोगों के फेमस घरों में लेकर जाऊंगा जहां आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज आपसे डिजाइन की बात करेंगे। बट वेट, देयर इज मोर। सेलेब्स के घर से इंस्पायर होकर मैं आपको हमारे डिजाइन हेडक्वार्टर लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपके घर को ऐसा लुक कैसे मिल सकता है। वहां मैं आपको दूंगा टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। आपको इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस एपिसोड में हम जाएंगे मेरे क्लाइंट और बहुत ही अच्छे फ्रेंड ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के शानदार सी फेसिंग मुंबई वाले घर में, जिसे हमने मिलकर डिजाइन किया। ये है डिजाइन HQ। हाय गाइस, ये है ऋतिक का घर एंड आई थिंक पूरी दुनिया में ये उनका फेवरेट स्पेस है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसा जो है इवन कूलर, कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि उनका फेवरेट स्पेस है। That my kids actually have to deserve that. तो तुमने क्या किया है and what are you gonna do to deserve your tricks? मैं काम कर रहा हूँ सुबह सुबह. Jim, no, ये रहा. No. It's right here. इस पे लटको और pull-ups करो. Too high. How are you? Welcome to our home. After you. बैठ के बातें करते हैं and I was joking about tricks. You're very very welcome. नहीं to have बात ये कि मुझे सुबह सुबह sugar चाहिए होती है. You want some more chocolates? Yeah, नहीं बहुत सारी chocolates. इतना काफी है. No, I'm good with one. Okay. तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे लगता है मैं एक परफेक्ट बीच हॉलीडे पर आ गया हूँ और मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मैं सब कुछ भूलकर हॉलीडे इंजॉय कर सकता हूँ। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि इस घर को डिजाइन करते वक्त वो आपकी एक सेल्फ डिस्कवरी की प्रोसेस भी थी। आई थिंक दैट इज मुझे लगता है कि एक बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस है फॉर एनीबॉडी हु इज डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है कि उसका घर कैसा होना चाहिए। ट्राइंग टू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर इनसाइड, यू नो व्हाट वुड यू लुक लाइक अगर आपका कैरेक्टर, आपकी क्वालिटीज, आपकी फीलिंग्स बाहर निकाल कर सबको दिखा दी जाएं, यू नो डिस्प्लेड ऑन द आउटसाइड। मैं तो यही कहूंगा कि ये एक जर्नी ऑफ करेज है। जब इस घर को डिजाइन कर रहे थे तो हम चाह रहे थे कि बाहर की चीजों को अंदर लाएं। हम चाहते थे कि समंदर की ब्यूटी को घर के अंदर लाएं, लेकिन सिर्फ व्हाइट और ब्लू कलर ही इस्तेमाल में ना हो बल्कि सटल और सिंपल चीजों से ये किया जाए, यू नो। या दैट्स अनदर एग्जांपल। आई थिंक मुझे अंदाजा नहीं था कि समुंदर मुझे इतना अट्रैक्ट करेगा और मैं इतना इंटरेस्ट लूंगा नॉटिका में। तो ब्लू रंग के बारे में कुछ बताओ ना। मुझे ये ब्लू तब से चाहिए था जब से हमने इस घर पर काम करना शुरू किया। आपके दिमाग में ब्लू तब से था ना, जैसे सेंटोरिनी मीट्स ओशन। सेंटोरिनी, इट वाज सेंटोरिनी। यही वो जगह थी जहां मैं गया था इन ग्रीस। एंड आई जस्ट लव्ड द ब्लू एंड द व्हाइट। मुझे याद है मैं तुम्हें वहां से वियर्ड चीजें भेजता था, काइंड ऑफ लाइक गेट अ मैच फिक्स ऑन दैट ब्लू। कई बार तुम्हें भेजा एक स्टोन, कई बार तुम्हें भेजा वो फ्रॉम मोहनजोदारो। हां, आपने कहा था नील, द नील। या दैट वाज लाइक परफेक्ट। और मैंने सोचा ओ माय गॉड, मैं कैरेक्टर में हूं, यू नो। और जब मैंने उसे देखा तो कैरेक्टर भूल गया। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दैट्स द ब्लू आई वांट। आशीष, तो फाइनली आपको ये कैसा लगा? I'm in love with it. Yeah. Sometimes मैं यहाँ आता हूँ, इस ब्लू को देखता हूँ, जब लाइट इसे रिफ्लेक्ट होती है, it's perfect. और उसे देखते ही सोचता हूँ, damn man, I should take a picture. और जैसे ही मैं पिक्चर लेने जाता हूँ, I'm like, this is मेरा घर है, मैं क्यों पिक्चर ले रहा हूँ? अपने ही घर की पिक्चर क्यों ले रहा हूँ? और my phone. और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उस ब्लू के साथ आपको परफेक्ट फ्लावर्स भी मिल गए, राइट? और वो सनफ्लावर्स हैं, तो वो रोज सुबह खिल उठते हैं। And I didn't even know कि ये यहाँ मिलता है।
आप इस घर में अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं जब आप शूटिंग नहीं कर रहे होते, बाहर नहीं होते, घर में अकेले होते हैं, इस अपार्टमेंट में अकेले रह रहे होते हैं? Well, in the morning मुझे अच्छा लगता है अपनी डायरी खोलना और लिखना ब्लॉग. We have attributed a space for that. You know, so जब आपके पास डेडिकेटेड स्पेसेस होते हैं जिन्हें आप काफी एफर्ट्स के बाद बनाते हैं और खुद को वहाँ विजुअलाइज करते हैं, तो इस बात के काफी चांसेस होते हैं कि वो आपका लाइफस्टाइल बन जाए. Yes. So that's what I've done all yeah. over my home. और yeah. मुझे चाहिए थी एक स्पेशल चेयर yeah. जैसे कि एक क्यूट लिटिल ग्रीन चेयर जहाँ मैं आराम से रीडिंग कर सकूँ. You know, इसके लिए डिजाइन में एक टर्म है, form follows function. लेकिन आर्किटेक्चर में जब कुछ बनाते हैं तो यूजुअली यूज करते हैं क्रेजी डिजाइन फॉर्म्स जैसे कर्व्स और इस तरह की चीजें, और कई बार आपको हैरानी होती है कि हमने यूज क्यों किया, लेकिन कई बार उस अकूस्टिक का जो फंक्शन है वो फॉर्म डेवलप हो जाती है और इसीलिए ऐसा कहा जाता है. कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको एक आइडिया आता है कि आप चीजों को पर्सनलाइज कर देते हैं, राइट? लाइक आई ऑलवेज एवरीथिंग, यू नो, इफ देयर हैज एवर बीन अ सर्टेन फ्रेज और अ सर्टेन कोट और या चाहे मेरा ही थॉट क्यों ना हो दैट हैज अफेक्टेड माय वे ऑफ लाइफ और उसने मेरी लाइफ पे असर डाला किसी भी तरीके से, टू टेक डिसीजंस और टू नेविगेट माय इमोशनल सेल्फ, उन सबको मैंने कलेक्ट किया और अपने आसपास ही रखा पूरे घर में, आइदर ऑन स्टोन्स और ऑन अ बिग वॉल और देयर ऑन द सीलिंग जस्ट लाइक देयर इन सम. ये छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं खुद के लिए, छोटे छोटे नोट्स, एंड यू नो दे वर्क फॉर मी एंड आई लव इट. You know, and they are good for me. मुझे ये वाला अच्छा लगा जो मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है जिस पर लिखा है. हर कहानी के दो पहलू होते हैं ना. I walk around my space, just keep walking, thinking. Yeah, yeah. और फिर मैं stumble कर जाता हूँ किसी एक कोट पे, and it will actually give me a way out. The graffiti that we have on the wall, that's something that I really मुझे खुशी देती है और even मेरे बच्चों के लिए भी inspiration है. Yeah. You know, इससे जुड़ा एक फनी इंसिडेंट है और ये सच भी है, क्योंकि याद है आपको जब हम पियानो के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो आपने बच्चों को दिया था? Yeah. हम उसकी पोजीशन डिस्कस कर रहे थे yeah. और हम उसे साइड में रखना चाह रहे थे yeah. और सडनली मुझे लगता है रिदान who came on the skateboard onto the wooden floor. You know, usually आप बहुत स्पेसिफिक हो कि एक भी स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब बेटे ने कुछ ऐसा किया तो आपको बुरा नहीं लगा. मुझे आपकी आंखों में दिखा था कि फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरे घर में ही स्क्रैच लगा दे, इससे फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक इट्स मोर अबाउट बीइंग ऑब्जेक्टिव. या मैं सिंपली अपने आप से पूछता हूँ, यू नो, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट टू मी, मेरा बेटा बीइंग अ ग्रेट स्केटबोर्डर और डूइंग समथिंग ही लव्स वेयर ही लव्स, या फिर ये सोचूं कि वुडन फ्लोर खराब हो रहा है. ऋतिक ने यहाँ मास्क भी लगाए हुए हैं जो मुझे लगता है इन्होंने बच्चों के साथ हॉलिडे पर बनाए थे, शायद पेंट किया था. सेल्फ पेंटेड हाँ. और आपने कहा था कि आप पियानो के ऊपर इन्हें लगाना चाहते हैं, मतलब फैमिली फोटोज की बजाय आप फैमिली मोमेंट्स लगाना चाहते हैं, और एक कमाल का आइडिया था कि आप पियानो के ऊपर ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं. लोग यूजुअली ऐसा करते नहीं है, यू नो, कुछ जैसा तुमने मेरे लिए वो किया. Because I knew कि ये मुझे उस जगह पर चाहिए. And I didn't know how. और ये मुझे वाकई बहुत पसंद आया. इस घर का सबसे optimum space कौन सा है? Most of the spaces. So this ये कमरा randomly इसको भी हम बोलते हैं हमारा office. And it's also called the home theater. Multifunctional. यही वो जगह है where me and my kids can go nuts. You know. हर एक चीज इस रूम में ऑलमोस्ट हर एक चीज इस रूम में इज मूवेबल. यहाँ पर है एक मंकी बार, यही वो जगह है जहाँ मी एंड माय बॉयज हैंग लिटरली जस्ट हैंग देयर. वन ऑफ द नाइसेस्ट डिसीजंस जो मैंने लिया है आज तक वो है एक वेंडिंग मशीन इन द रूम. बट या आई एम हैप्पी कि मैंने इसके बारे में सोचा और ये डिसीजन लिया. एंड वो सब चीजें की जो यू नो नॉर्मल नहीं. थैंक्स ऋतिक, दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट. वी आर कमिंग बैक फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट, स्टे ट्यून्ड. मुझे पता है कि आपको घर से काम करना अच्छा लगता है, मुझे पता है आपको लिखना भी अच्छा लगता है, आपको घर का स्पेस एंजॉय करना अच्छा लगता है.
टेल मी मोर अबाउट योर होम ऑफिस एंड व्हाई यू नीड इट और इसी जगह पर क्यों। मुझे पसंद है कंपार्टमेंटलाइजिंग। ऑफिस स्पेस इज ऑब्वियसली कंपार्टमेंटलाइज्ड फॉर वर्क, राइट? ये आपका वर्क स्पेस है और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ये करूं इन माय हाउस, और एक ऐसी स्पेस मिले जहां से आप देख सकें द ओशन और साथ ही हो थोड़ी सी गार्डन की ग्रीनरी। आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन, आई लाइक बीइंग स्टिमुलेटेड बाय समथिंग दैट्स ब्यूटिफुल ऑल द टाइम। जब आपने लाइब्रेरी बनाई थी तो आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थे कि आपको लाइब्रेरी में क्या क्या रखना है। आप चीजों को लेकर काफी स्पेसिफिक थे। वो सब चीजें अच्छी लगती हैं जो हो फंक्शनल, एम्पावरिंग एंड प्लीजिंग टू द आई। यू नो, मुझे क्लटर पसंद नहीं, और ये सिर्फ मेरे ऑफिस में नहीं बल्कि घर पे भी लागू होती है। आई डोंट लाइक क्लटर, बट आप मेरे घर आ सकते हैं एंड यू कैन मेस इट अप, यू नो, एंड आई विल लव इट। आप मेरे घर आ सकते हैं एंड नॉट वरी और बॉदर अबाउट बीइंग प्रॉपर। यू नो, आपके फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे। मैं चाहता हूं वो देखें। वो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे। एब्सोल्युटली। होम ऑफिस की फिर से बात करते हैं। ये रूम, ये स्पेस एक्चुअली ना सिर्फ ये रूम, इसमें एक पूल टेबल था, याद है? या, आई मिस इट। या, लेकिन आपने मुझे कॉल करके कहा था कि मुझे पूल टेबल नहीं चाहिए। या, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया था। या, आई जस्ट मिस द लुक ऑफ इट, बट नो, इट वाजंट प्रैक्टिकल। और एक दूसरी चीज ये भी है जो मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ, इफ देयर इज समथिंग जो आपके पास बस पड़ी है और आपने 6 महीने से उसे यूज भी नहीं किया है, गेट रिड ऑफ इट। तो गाइज, ये है ऋतिक रोशन का रूल नंबर 1 फॉर डिजाइन HQ। अगर आपकी कोई चीज 6 महीने से यूज नहीं हुई तो उसे निकाल दो। हमने इस घर के लिए बहुत सारा आर्ट खरीदा, हम आर्टिस्ट के पास गए, कैटलॉग्स देखे। आप आर्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज आई नो यू लव आर्ट। आई एंजॉय द स्पेस इट फिल्स अप, और साथ ही रूम को खूबसूरत बनाता है और एक ऐसी ब्यूटी देता है जो कि आंखों को भाए टू जज वेदर इट्स गुड और नॉट। जब बात आर्ट की हो, और यही बात मुझे आर्ट की अच्छी लगती है, बजाय इसके कि यू नो हु इज इट बाय और यू नो इट्स अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड और वो सब मैंने तुम पे छोड़ दिया और मैं खुश हूँ विद व्हाट वी हैव इन द हाउस। अच्छा, आपको याद है लिविंग रूम में वो लॉन्ग वर्क जिसके हर पैनल पर वर्ड्स थे, और अगर उन्हें मूव कर दें तो उनका मतलब बदल जाता है, राइट? और वो आर्ट है, राइट? कि जब भी आप उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं या टर्न करते हैं तो मतलब बदल जाता है, जैसे 0 to infinity वो जो वॉल पर है। आर्ट की ये खासियत है कि जो मेरे लिए मायने रखता है वो हो सकता है कि किसी और के लिए उसका कोई और मीनिंग हो, उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। That's what art is. लेकिन art एक interpretation है. Yeah, so yeah, so it sure. stimulates हर एक individual को, you know, अपने तरीके से. तो अब बारी है हमारे last segment की. ये बहुत ही classic filmy conversation है जो आप already जानते ही होंगे और पहले भी किया होगा. I think तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो the infamous रैपिड फायर। या, लेकिन इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। ओके। इसे कहते हैं डिजाइन डीकोडेड। एक चीज जो आपके घर में नहीं मिलेगी जिम के अलावा। आई थिंक आई वुड लाइक टू से आपको नहीं मिलेगा एक भी ऐसा शख्स हु स्केयर्ड ऑफ यू नो बीइंग कंप्लीटली फ्री इन माय होम। आपकी लाइब्रेरी में अनएक्सपेक्टेड बुक, डिजाइन बुक्स। मेरी लाइब्रेरी डिजाइन बुक्स से भरी हुई। गेस कीजिए वो किसने खरीदी थी? ऑफ कोर्स तुमने। या एंड या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनमें इंटरेस्ट भी लूंगा, लेकिन वो फन होती है, सो मच फन। या, होम इज वेयर द डैश इज। और हार्ट मत कहिएगा प्लीज। Home literally is where आपकी family और आपके loved ones हो. That's all. Last meal जो आपने cook किया? आखरी meal जो मैंने बनाया था इस घर में doesn't apply because I don't think I've ever cooked a meal in this house. मैं यही जानना चाहता था। लेकिन क्या? लेकिन future में क्या आप बच्चों के लिए breakfast बनाना चाहेंगे?
Like eggs या कुछ? Well, I sometimes मैं करता हूँ, कर लेता हूँ cooking जब हम vacation पे होते हैं. But here no, not yet. Okay, quickly, luxury क्या है, necessity क्या है और waste of money क्या है, right? आपको तीनों में से एक pick करना है. Automation, home automation. I'll have to say necessity. मुझे भी यही लगता है. Necessity है. I love it. Goose down sofas. ये क्या है? Goose like बहुत ही soft sinking sofas. Luxury, right? It's very bad for you. It's very bad for your back. Yeah. I'm sorry. Famous artworks with famous names. Luxury. Waste of money नहीं है? I think मैं उसे change करूँगा. Waste of money. You know me. Yeah. You know exactly. Me. Yeah. A home bar. A home bar is a luxury. Home theater. Necessity. Sorry. Yeah. A wraparound terrace balcony. Necessity. Yeah, really. Yeah. क्या आप सच में वहाँ पर खड़े होते हैं? लोग आपको स्टॉक नहीं करते? Well, तुम मुझे आइडियाज मत दो यार. Yeah, well, yeah. Okay, तो हमारा Q&A एंड होता है. Already? Yeah. I was enjoying it. Thank you, Ashish. It was. Thank you so much fun. कि आपने हमें यहाँ पर आने दिया और आपने कैमरे पर इतना सब कुछ बोला और. You're welcome. Yeah. Here you go. ये है आपका होम ऑफिस. आप एक थीम से शुरू कर सकते हैं. जैसे ऋतिक ने नॉटिका चूज किया, मैंने चूज किया एक्विस्टेरियन. आप हॉर्सेस को किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, चाहे वो बस्ट, एंटीक्स, लेदर, स्टड्स, जो भी आपको अच्छा लगे. कलर इसकी, फील फ्री टू यूज अ कलर ऑफ योर चॉइस. लेकिन यहाँ मुझे मेरा स्पेस मेडिटेटिव पसंद है तो मैंने यूज किया व्हाइट. वॉल कवरिंग्स भी अच्छा ऑप्शन है. आप ले सकते हैं स्ट्राइप्स, चेक्स या फिर प्लेन लिनन फिनिश वॉलपेपर्स, बट मेक श्योर इट डजंट डिस्ट्रैक्ट यू. जब होम ऑफिस के फर्नीचर की बात आती है तो दिमाग में एक ही चीज रखिए, एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स. ऐसी चेयर लीजिए जो कंफर्टेबल हो और बैक को सपोर्ट करे. डेस्क की बात हो तो ध्यान रखिए कि उसमें लेग स्पेस हो ताकि आप लंबे समय तक काम कर सकें. अगर डेस्क और चेयर कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप होम ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और इसीलिए कोई काम नहीं कर पाएंगे. मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि विंडो डेस्क के साइड में हो, ना कि पीछे. अगर वो पीछे होगी तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्लेयर आएगा. और टेलीविजन, वो पीछे होना चाहिए ताकि आप प्रेजेंटेशन दे सकें या फिर खाली टाइम में देख सकें. मेक श्योर कि डेस्क के दूसरी तरफ भी स्पेस हो ताकि वहां पर फ्रेंड्स, फैमिली, विजिटर, क्लाइंट्स के लिए चेयर रख सकें. और अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है तो काउच रख लीजिए. लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर मेरे लिए. मुझे वर्क स्पेस पर नेचुरल लाइट अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, इनडायरेक्ट लाइटिंग सेम काम करती है. व्हाइट और येलो का मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है. अवॉइड कीजिए स्पॉटलाइट्स और इनग्राउंड लाइटिंग, ये आंखों में लगती हैं और डिस्ट्रैक्ट करती हैं. टास्क लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप डेस्क लाइट लगा सकते हैं जो एडजस्टेबल हो और आपको फोकस लाइट दे जहां आपको चाहिए. स्टोरेज कैन मेक और ब्रेक द स्पेस. अगर ये प्लान नहीं होगा तो सभी चीजें डेस्क पर ही पड़ी होंगी, किलिंग द एस्थेटिक्स. मेक श्योर कि आपके पास हो पिजन होल्स, शेल्व्स, ड्रॉर्स और एक लाइब्रेरी. वैसे होम ऑफिस एक प्रोफेशनल स्पेस होता है, लेकिन उसे पर्सनलाइज करने में प्रॉब्लम नहीं. ये है कुछ तरीके जिससे आप अपने होम ऑफिस को पर्सनलाइज कर सकते हैं. मोनोग्राम स्टेशनरी, ट्रेवल सुवेनियर्स, फ्रेंड्स और फैमिलीज के फोटोग्राफ्स, इंस्पिरेशनल कोट्स और आपका फेवरेट इंडो प्लांट. और या फिर मेरी तरह कंक्रीट के ब्लॉक में अपने इनिशियल्स लगाएं. आप अगर होम ऑफिस डिजाइन कर रहे हैं तो ये रहा रिकैप. कलर्स जो डिस्ट्रैक्ट ना करें, कंफर्टेबल फर्नीचर, एडिक्वेट लाइटिंग, काफी सारा स्टोरेज और एक पर्सनलाइज्ड स्पेस. There you go. आपका होम ऑफिस तैयार है, बिल्कुल प्रोफेशनल, राइट लाइटिंग और फर्नीचर के साथ और पर्सनल भी, आपकी फैमिली फोटोज और हॉलीडे सोवेनियर्स के साथ. अब अगर मैं बात करता रहूंगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, तो अब मैं चलता हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही मिलूंगा डिजाइन HQ पर. सेम टाइम, डिफरेंट स्पेस.